Hello everybody, welcome to this live YouTube webinar. Welcome to Avadhut Sathe Trading Academy, ASTA. बहुत जल्द शुरू होगा आज का ये टॉक by Avadhut Sathe. विषय है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन चेंजिंग टाइम्स. शुरुआत करते हैं हमारे सेमिनार्स की कुछ तस्वीरों से. हाँ दोस्तों, भारत भर में हमारे 7 ट्रेनिंग सेंटर्स है. वी हैव 7 ट्रेनिंग सेंटर्स अराउंड इंडिया. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु. वी हैव पीपल कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, पीपल फ्रॉम वेरियस प्रोफेशंस, पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ. Doctors, chartered accountants, engineers, lawyers, entrepreneurs, self-employed. हमारे यहाँ लोग स्टॉक मार्केट ज्ञान प्राप्त करने को आते हैं. जी हाँ, अवधूत साठे ट्रेडिंग अकेडमी में मिलता है स्टॉक मार्केट संस्कार. फिलहाल हमारे सेमिनार्स बंद है, वजह तो सारी दुनिया जानती है. लेकिन हाँ, गुजर जाएगा ये दौर भी मेरे दोस्त, जरा इत्मीनान तो रख. जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है.
Okay, welcome once again, ladies and gentlemen, to this live YouTube webinar full of knowledge and wisdom. Welcome to Avadhut Sathe Trading Academy. फिलहाल दोस्तों संपूर्ण विश्व में परिस्थिति गंभीर है. ध्यान रहे कि दिल में ना उम्मीदी का डेरा ना हो. दिल में ना उम्मीदी का डेरा ना हो, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि रात हो पर सवेरा ना हो. बी पॉजिटिव. यस फ्रेंड्स, ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट आस्था, आस्था's मिशन एंड आर मेंटर अवधूत साठे. माई नेम इज ऋषिकेश सेनगुप्ता. आई एम विद अवधूत सर सिंस 2013. अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी के संस्थापक हैं अवधूत साठे. स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का इनका 27 साल का अनुभव है. ही हैज ऑल्सो ट्रेडेड इन US मार्केट्स और 2008 से लोगों को सिखा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस. हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी से स्टॉक मार्केट संस्कार सीखने के लिए. आस्था का एक मिशन है और ये मिशन जन कल्याण हेतु है. अवधूत सर का बहुत बड़ा विजन है. अवधूत सर और उनकी यह अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी भारतवर्ष में स्टॉक मार्केट संस्कार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. क्या एग्जैक्टली है अवधूत सर का मिशन और विजन, आइए ये वीडियो देखते हैं. लेट्स नो अवधूत. अवधूत साठे, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ट्रेनर एंड मेंटर, वर्किंग रिलेंटलेसली फॉर पीपल यंग एंड ओल्ड, हेल्पिंग देम फुलफिल देयर ड्रीम्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. Having 25 years experience as stock market trader in Indian and international markets, and also training and mentoring students for past so many years, Avadhut has developed a firm belief that stock market is the ocean of opportunities. People irrespective of age and gender can leverage the immense potential provided by what he calls the God market. Yes, stock market is God market, says Avadhut Sathe. Men and women travel from far off places to learn from him. The most fearful subject of stock market becomes your most favorite subject if you are with Avadhut Sathe. His students call him the guru of financial markets. But Avadhut renounces all these and just calls himself a catalyst in your life. A much needed catalyst. Avadhut strongly believes collective destiny is more powerful than individual destiny. Taking this forward, he has inculcated a FUFA in his organization. A FUFA, all for one, one for all. Success in financial markets is a byproduct in his teachings. His goal is to develop a character that deserves success. An engineer by qualification, stock market training is passion. His mantra, become a pro, money will flow. His mission, creating minimum 1 lakh multimillionaires through financial markets. His vision, starting a stock market trading university in India. He is Avadhut Sathe. ये हैं अवधूत साठे. ऑलवेज वॉन्ट्स टू हेल्प पीपल गेट दिस डिवाइन स्टॉक मार्केट संस्कार. दोस्तों, बड़ा वो नहीं जो लाखों रुपए कमाता है, बड़ा तो वो है जो लाखों के दिलों में समाता है, जैसे हमारे अवधूत सर, अवधूत साठे. प्लीज वेलकम अवधूत साठे. हेलो, नमस्ते नमस्ते. सो ग्लैड टू बी हियर एंड सो ग्लैड टू बी कनेक्टेड विद सो मेनी ऑफ
ऋषि जी ने कहा कि हमारे सेमिनार्स बंद हैं, लेकिन हमारे सिखाने का जज्बा अभी भी कायम है। एंड आई वॉन्ट टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन हु इज हियर टूडे, बिकॉज यू नो आपका पर्पज कोई भी हो, लेकिन आज जब से अभी लग रहा है कि समय रुका हुआ है, फिर भी आज आए हो आप। एंड आई रियली वॉन्ट टू सल्यूट टू योर सीखने का जज्बा। सो इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन वी आर ऑल इन, राइट? इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इन सच अ सिचुएशन वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड्स, एंड स्पेशली मार्केट को लेकर तो बहुत है, जो ऑलरेडी मार्केट में है उनको तो बहुत सारे सवाल है। बट आई एम सो ग्लैड डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस यू नो लॉकडाउन्स एंड काइंड ऑफ टाइम, लाइक यू नो टाइम ऐसा लग रहा है कि समय रुक गया है, फिर भी आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस टेक्नोलॉजी विच इज स्टिल कीपिंग अस कनेक्टेड, राइट? सो थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू फेसबुक, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू एवरी वन ऑफ यू फॉर लेटिंग मी कनेक्ट टू यू। यू नो यू ऑल ब्यूटिफुल सोल्स एंड आई एम हियर, वी आर स्टिल कनेक्टेड। सो लेट्स बिगिन। तो आज आई नो यू मस्ट हैव सीन माई वीडियो, एक मिनट का जो वीडियो मैंने भेजा था, और ये भी कहा था कि यू नो मार्केट ने सिग्नल दिया था और कन्फर्मेशन भी दिया था, और हमने मैंने मेरे कुछ ट्रेड्स भी शेयर किए हैं, अगर आप जाके उधर पॉज करके आराम से देख भी सकते हो। ओके, बिफोर आई फॉरगेट, लेट मी टेल यू दैट सिंस यू आर वॉचिंग दिस, यू नो ट्राई टू वॉच इट ऑन अ फुल स्क्रीन, ताकि आपको ना पूरे, क्योंकि मैं चार्ट्स भी दिखाऊंगा आज, तो देखने के लिए आपको फुल स्क्रीन में देखना होगा, ठीक है? तो बहुत सारे सवाल है, आई अंडरस्टैंड एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस देम, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू कवर अ सर्टन पोर्शन। ओके, सो यस, ये सेशन लेने के पीछे वजह क्या है? देखिए, ये टाइम के बारे में तो डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन आज हमारा 29 मार्च को एक थाने में आई ओपनर होना चाहिए था, जो कि ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस इट्स बीन कैंसल्ड एंड रीशेड्यूल्ड फॉर सम अदर टाइम। सो व्हेनेवर यू नो थिंग्स इंप्रूव एंड थिंग्स गेट स्टेबलाइज, वी आर गोइंग टू अगेन स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू अनाउंस द कंफर्म डेट्स टू यू। सो 22 मार्च, 29 मार्च, दोज आई ओपनर्स आर देयर। देन SMM सेमिनार विच वॉज सपोज टू बी इन द मिड ऑफ अप्रिल, वी आर टेंटेटिवली मूविंग इट बाय वन मोर मंथ। ओके, सो देर आर पीपल, आई नो देर आर पीपल हु आर who wanted to join these seminars, those people are out there. And I'm sure, you know, there are a lot of freshers who have never heard of ASTA, they are there. You know, there are traders, I'm sure, you know, they have a lot of questions because market is so volatile in these days. So I'm going to have some insights for you as well. But I'm sure there are a lot of people who are kind of clueless about, you know, absolutely freshers in the market. And abhi soch rahe hai ki yaar ye kya hone wala hai aaj, 45-30 minutes mein. तो 45 मिनट्स या आर्ली जो भी है, आई विल कंटिन्यू जितना हो सके, आपके क्वेश्चंस का भी मैं जरूर जवाब दूंगा। तो स्टॉक मार्केट संस्कार की जब बात होती है ना, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है वो आपके टेक अवेज है आज के लिए। आई एम गोइंग टू ऑल्सो कवर यू नो मास साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस मार्केट मूव्स विच आर हैपनिंग, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में मैं कुछ बात करूंगा, और नीचे गिरने वाले मार्केट में कैसे प्रॉफिट किया जाता है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग एंड हाउ यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ दैट। ओके, एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू नो करंट मार्केट सिनेरियो, व्हाट आर दीस टाइम्स एंड हाउ वी शुड एक्चुअली अप्रोच दीस टाइम्स। ओके, सो यस, आई रियली वांट टू स्टार्ट विथ इंडिया स्टोरी। ओके, एंड आई एम शोइंग यू अ पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इंडियाज प्रोग्रेस सिंस 2003-04। सो इफ यू रियली सी दिस चार्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू सी इट इज फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स, यू नो व्हेन निफ्टी 50 क्या है, ये 50 स्टॉक्स मिला के एक इंडेक्स है जो इंडिया के इकोनॉमी का बैरोमीटर है। तो ये है इंडिया के इकोनॉमी का बैरोमीटर जो आपके सामने है, और वो आपको एक ग्राफ के तौर पे दिखा रहा है। आई मीन दिस इज बेसिकली फॉर दोज वी आर सीइंग द टेक्निकल चार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज अ टेक्निकल चार्ट विच इज अ मंथली ग्राफ, ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स अ मंथ एंड इट इज प्लॉटेड सिंस 2002 टिल डेट। ओके, सो अगर हम देखें तो 2008 में आपको सबको याद होगा एक बबल आया था जिसका नाम सबने दिया था सबप्राइम बबल, सबप्राइम मॉर्गेजेस का बबल, और वहां पे कमोडिटीज मार्केट का भी एक बबल था, ऑल मार्केट्स वेंट अप। 2008 में वो मार्केट टॉप हुआ इंडिया के लिए, 2008 में हुआ,
बाकी सारे देशों के लिए स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स 2007 में टॉप हुआ था. ओके और 2008 के बाद इनिशियली पीपल थॉट यू नो वी आर डीकपल्ड एंड ऑल दैट, बट जनवरी में मार्केट टॉप हुआ 2008 में और बराबर एक 12 साल के बाद आज हम वापस एक मार्केट टॉप अनुभव कर रहे हैं. वी आर एक्सपीरियंसिंग अनदर टॉप. 2008 के बाद जो एक साल में जो गिरावट आई दैट वॉज अ ग्लोबल रिसेशन एंड देर वॉज अ बिग क्रैश इन द मार्केट. ओके देर वॉज अ बिग क्रैश इन द मार्केट एंड उसके बाद मार्केट फिर से उछाल मार्केट ने लिया और 2010 के दिवाली तक वापस हमने वही लेवल अचीव कर ली जो 2008 के टॉप की थी. आपको देखिए 2010 की दिवाली एंड अगेन मार्केट करेक्टेड. इन दिस 2008 की दिवाली में जो मास की साइकोलॉजी थी वो और 2008 में थोड़ी अलग थी. 2008 में रिक्शा वाला, पान वाला, चाय वाला सब मार्केट में थे. 2010 में वैसा नहीं था. सो इट वॉज अ टॉप बट नेवरदलेस इट वॉज नॉट अ मेजर टॉप. इट वॉज नॉट अ मेजर टॉप. मार्केट फेल इन 2012 राइट एंड देन मार्केट अगेन स्टार्टेड मूविंग अप एंड जस्ट बिफोर द जनरल इलेक्शन ऑफ 2014. Yes, एक बात बताना चाहूंगा कि देर वॉज अ यूपीए इलेक्शन एंड यूपीए गवर्नमेंट गॉट इलेक्टेड विथ सम मेजोरिटी एंड दैट वॉज द रीजन यू नो मार्केट स्टार्टेड बाउंसिंग इन 2008 बॉटम यू नो एंड 2009 में मार्केट ऊपर गया. ये लेवल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि सो दैट यू नो द इवेंट्स विच आर हैपनिंग बिहाइंड दिस मार्केट मूव्स. ओके एंड देन जस्ट बिफोर द 2014 जनरल इलेक्शन मार्केट मेड अ बॉटम and market made all time high even before the election results and market went all the way to around 8600 9000. 2015 ka wo top tha and that top we call it a third wave of third. okay wo main thodi der mein bataunga kya tha lekin uske piche ek psychology thi, ek fundamentally strong backing tha us move ke piche aur uske baad wapas giravat aayi. log sawal karne lage ki acche din kahan hai, अच्छे दिन कहाँ हैं. और 100-150 दिन के बाद गवर्नमेंट के बाद पीपल स्टार्टेड डाउटिंग दैट एंड दैट डाउट एक्चुअली रिजल्टेड इन सम काइंड ऑफ वेव 4 वी कॉल इट. और वो था बॉटम 2016 का. यानी 2016 के पहले 2015 में मार्केट गिरा, 2016 में और एक बॉटम किया. नेवरदलेस दिस बॉटम इज अगेन इफ यू सी दिस बॉटम्स दे आर ऑल हायर बॉटम्स. ये बॉटम्स हायर थे एंड देन एक टाइम आया था जब सब कुछ ऐसा लगा कि वापस रिसेशन होगा. क्यों? क्योंकि डी मॉनिटाइजेशन आया था करेंसी नोट्स यू नो. सो डी मॉनिटाइजेशन पीरियड में द न्यू करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, द ओल्ड करेंसीज वेर विड्रॉन. पीपल थॉट दैट ब्लैक मनी अभी जाएगा, एक पैरेलल इकोनॉमी मार दी गई, ऐसा लगा था लोगों को. एंड दैट वॉज अ लो विच वॉज अ सेकेंड ऑफ फिफ्थ. ओके जो ट्रेडर्स है उनको शायद समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. अगेन लो ऑन सेंटिमेंट बट मार्केट मेड अ लो हायर लो अगेन एंड देन मार्केट वेंट अप एंड रिसेंटली मार्केट डिड अनदर हायर हाई, एक ऑल टाइम हाई किया मार्केट ने आफ्टर करंट जनरल इलेक्शंस. सेकेंड टर्म मोदी गवर्नमेंट अगेन गॉट इलेक्टेड विथ थंपिंग मेजोरिटी बट मार्केट फेल टू शो इट इन द चार्ट्स. इट वॉज अ साइन ऑफ फिफ्थ वेव. तो मैंने जब कहा है ना वीडियो में देर वेर सिग्नल्स एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दोज सिग्नल्स वेर. ओके एंड मैं अगर जाऊंगा अभी मैं आपको दिखाता हूं एक अलग सा चार्ट जहां पे ये सिग्नल्स की मैं बात कर रहा था. यहां पे था एक हैंगिंग मैन ऑन मंथली चार्ट. ओके और ये एक थी एक फिफ्थ वेव जैसी वेव थी, फिफ्थ ऑफ फिफ्थ था. तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा वेव काउंट्स के तौर पे कि 2008 के बॉटम के बाद एक वेव वन हुई, वेव टू हुई, वेव थ्री वॉज आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 2014 व्हेन द मोदी गवर्नमेंट गॉट इलेक्टेड. वेव फोर पीपल थॉट ओ वेर आर अच्छे दिन बट पीपल मार्केट अगेन बाउंस्ड एंड मेड अ फाइनल फिफ्थ वेव हियर. दिस इज कॉल्ड फिफ्थ वेव इन द मार्केट. ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सिग्नल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वॉज देर वॉज अ एंडिंग डायगोनल पैटर्न विच वी कॉल इट. ओके and this was that diagonal pattern and we were actually concerned about the market top and obviously there were certain divergences, you know, those who are traders who would understand what is divergences, there were divergences on RSI
and major divergences right from third wave to fifth wave. So that was the scenario in the markets. मैंने कहा था कि yes, कुछ लोगों ने, हमारे कुछ students ने इस समय अपने आप को बचा लिया. 2000 जनवरी में हमारा SMM सेमिनार था मिड में, और तभी मैंने कुछ थोड़े साइंस बोले थे कि भैया मुझे गड़बड़ लग रही है, कुछ भी हो सकता है. और फरवरी में ऑलमोस्ट जैसे कंफर्मेशन था, बजट के बाद हमारा पापा सेमिनार हुआ था, और वो जो बजट के बाद का जो बाउंस आया था वो उतना फियर्स नहीं था. 78% रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट गिरा. सो लेट मी शो यू समथिंग हियर. आई वुड लाइक टू शेयर हमारे लाइव सेमिनार की, एक लाइव सेमिनार में जो एक टेस्टिमोनी आई थी हमारे इन्वेस्टर्स ने, हाउ ही EVS, see how one single hanging man can save a man. In the first SMM seminar, you had, I think, discussed about this hanging man, and when you were showing the chart, and so that evening we went back, and one message that we got, what you said was, kuch bhi ho sakta hai from here. So I went back, I looked at where I stood. I sold all my investments by end of January. He sold all his investments by end of Jan. How much have you saved? I think it'd be 25-30%. From the top, 25, that's huge, yeah? I would say 20-25% is the knowledge that I got from the first seminar. And the balance is leap of faith on you. I'm so relieved today. I'm sitting on cash, waiting for the 7,000 market. So I'm thankful to you. And you know, when you showed that channel for the last 10 years, the channel, yeah, the 10-year channel. Yeah, I had shown that channel. If you remember, अभी हमने जो channel दिखा है. वो चैनल कभी भी दिखाया था एक बार. सो ऑल माय इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड वे बैक इन 2008 and 9. ओह वाओ. एंड आई लिव थ्रू द डिकेड ऑफ द चैनल. सो व्हेन आई लुक एट द हैंगिंग मैन, आई थॉट इट वाज मी, एंड देयरफॉर आई नीड टू सेल. आई एम सो ग्लैड आई अटेंडेड द आई ओपनर, एंड आई एम सो ग्लैड आई हर्ड व्हाट यू सेड, एंड आई टुक एक्शन. I'm happy. I no BP today. No pressure. I'm watching it fall. I'm waiting for the day of anti-gravity. Wonderful. Yeah. And this is not the only story. There are many such stories, but I would like to show you one more such story, which is just a 1 minute video. I would like to show you that as well. मेरा नाम धनराज है. मैं बेसिकली पुणे से हूँ. मैं 2007 से लेके 12 तक ट्रेडिंग किया. मेरा जर्नी ठीक नहीं चल रहा था. मेरे एक कलीग ने एक कोर्स किया था पुणे में. उसने मुझे बताया कि आस्था में करना है तो तुम यहाँ कर सकते हो. मैंने किया, मेरे खुद में इम्प्रूवमेंट हुआ. लेकिन मैं मेरे एक दोस्त को, करीबन उसका 22 लाख का पोर्टफोलियो था, आपने भी बताया था और मैंने भी ये किया था. उसी दिन मैंने उस फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे है, तुम्हारा पोर्टफोलियो खाली कर दो. उसी दिन के बाद उसने पोर्टफोलियो खाली कर दिया और कल मुझे उसने बताया कि मैंने आई ओपन कर दिया. 22 लाख रुपए उसके बचाए हैं मुझे. क्या बात है, एक्सेलेंट, ऑसम. यस, सो दीज आर द स्टोरीज. आई नो सम पीपल आर सेइंग दैट यू नो वी डोंट अंडरस्टैंड एलियट वेव्स. तो देखो, एलियट वेव्स मैंने थोड़े ट्रेडर्स के लिए बताया था. जो फ्रेशर्स है आपको लगेगा कि ये भैया क्या चल रहा है, एंड दिस इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर अस. तो मैं कुछ अभी आपको भी बताऊंगा कि ये है क्या. देखो, क्रिकेट जो गेम है ना, क्रिकेट इज क्रिकेट. अब वो आप गली में भी खेलो, या इंटरनेशनल लेवल पे खेलो, या रणजी में खेलो, या कोई देश में खेलो, या कोई भी ग्राउंड पे खेलो, या वानखेड़े में खेलो, या जाके मक्का जो लॉर्ड्स पे करो, क्रिकेट इज क्रिकेट. इट द गेम नेवर चेंजेस, राइट. एंड द प्लेयर्स
their focus is always the ball. Okay, no matter what the pitch is, the batsman always focuses, his eyes are always on the ball, right? This is exactly what we do in the markets. For us, our eyes are always on the price action. Price kya bata rahi hai? What the price is telling us? You know, whether who is dominant, whether bulls, the buyers are dominant, or whether sellers, who is dominant? And then what we try to do is we align ourselves to that dominant force. So when, and hence I'm going to show you what, especially for the freshers, okay, and traders and those who are investors, please bear with me. But for the freshers, let me tell you, there are three types of trends, okay, major trends. So, hota kya hai ki uptrend hota hai, jaise ki ye hai, okay, ye jo hai, ye upar ja raha hai, jaise upar ja raha hai, right? Yane, ye upar jata hai, phir niche aata hai, but jab niche aata hai, dekho, hum aise dikhata hu main, jab niche aa raha hai, market 2008 mein gira, and 2008 mein lekin itna nahi gira jo pehle ka low tha. No, it did not fall as much as the previous low. And then it went up, 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 made an equal top, then again started falling, 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 but made a low which was higher than the previous low. Okay. And then again the journey started. The journey started and made a new high. And this is price action. Yeh hai price. मतलब buyers सोचते हैं कि नहीं हमें अभी यहाँ पर buy करना है अगर आज buy नहीं करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा मैं late हो जाऊँगा I'll be late to the party so buyers start buying okay because they are late to the party they feel yeah and then market went up and up made another high and then again started falling people started booking profits but when it fell it did not go below a certain low and if I join this trend line These are called trend lines and then you can simply join these lows. Okay. And this is what is called support. All right. So yes, so this is like a lifeline for our economy, for our markets. Ye hamari lifeline thi. Aur ye draw karke rakhi hai. Aur vaise hi agar hum draw karke rakhe aur ek line jahan pe ye aise resistances le raha hai. तो ये जो टॉप्स थे ये ज्वाइन कर लिए जो बॉटम थे वो भी ज्वाइन कर लिए एंड ऑब्वियसली ये सब ज्यादा जो डिटेल में है आप सेमिनार में ही सीखोगे यू लर्न ऑल दिस थिंग्स मेनली इन द सेमिनार एंड मार्केट वेंट अप अप एंड अगेन स्टार्टिंग टेकिंग दोज रेजिस्टेंसेस ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन लेट मी ड्रॉ दिस लाइन लिटिल केयरफुली थोड़ी ऐसी है आई एम गोइंग टू या दिस इज हाउ इट इज एंड देन वी हैड अ फॉल And this is where we stand today. Okay. We have broken a longer term trend line. You know, jo 2008 se leke ek trend line thi. Okay. The trend line, which is right from 2008. This is a 12 year old trend line, a support trend line, which is broken today. Okay. And this is a very significant event as far as markets are concerned. Fine. So let me show you something more about this. Jaise aur ek example, you know, let me take you one more example of PNB. This is Punjab National Bank, you know, in 2019. And just to explain you this higher highs and higher low concept and how people can make even profits in the falling markets, let me explain you that. Yeah. So look at this. This red line is a bottom. It goes and makes one high and then it comes down and makes a higher low. Then it goes up, makes a higher high, a higher low and a higher high. This is called uptrend and this is as long as prices are rising, you know, we are happy. The investors are happy. As long as prices make new highs, it goes higher than the previous high. And as long as they don't make a new low, they make a higher low. Meaning what? You know, this price somewhere, I don't know what it is, like 60 odd. And then it went up and it came down. If somebody buys here and sells here, you make profits. It again falls. Doesn't go below this. Why it happens? Let me explain you this. There is always psychology behind market moves. Okay. So kya hota hai na? There is a this equation between demand and supply that keeps changing. So this is a demand force, this is a supply force. You know, when the demand force becomes dominant, the prices go up. And when the supply becomes dominant, the prices go down.
All right. So when the demand is dominating the supply, the prices rise. And then they make new highs. And when supply starts dominating, the prices fall. But then it doesn't fall when it doesn't fall below the previous low. Iske niche nahi ja raha hai. It's not going below that previous low. Which means the supply again, the demand again returns. Buyers feel, oh, this is a great level to buy, let me buy. And they come back and they push the price higher. And when they push the price higher, they make another high if they are really dominant. Okay, so that is called uptrend. This is fine. But what happened with PNB, Punjab National Bank, is eventually, and so how do you, so this is called go long. Long jana yane kya, buy karna. Ye ek terminology hai, long, matlab buy. So what you do, you buy low and you sell high. You buy low and you sell high. Okay, so that's buy low, sell high, buy low, sell high. That is Punjab National Bank uptrend at one point in time. So when you buy low and when you sell high, you make profits. Okay. But what happened here, in this is a downtrend. All right. So this is a downtrend. You can see there is a low and then there is a lower high. Now this time buyers pushed the price higher, but they could not take the price above the previous high. Hence it's a lower high. Then again price came down. It made a lower low. Why it's happening? Because now the sellers are dominant. Okay, I hope you are understanding this. Freshers, yeah, I'm talking to you. Because I know traders, everybody understands this very easily. But if you're watching this for the first time, let me tell you, this is not at all a rocket science. Okay, and these basic simple things work beautifully in the markets. Yeah, so when the sellers are dominating the prices, they push the price even lower. They push the price lower, lower low, lower low. And although buyers return and they try to push the price higher, they make a lower high, these lower highs, fine. And this is not a good time for investors because their wealth erodes. They start losing money. Now what happens next? You know, so how can I earn? The question is, you know, how can I earn these falling markets? Now if the markets, so first of all, you know, are the markets going to fall further? I'm going to come to that later. I'm going to come to that. Don't worry. I'm going to come to, you know, what's the current market scenario? What's going to happen next? I'm going to cover all that part. But let me first explain to those freshers who don't even understand ki falling market mein paisa kamaya ja sakta hai. In my video, Mr. you must have heard that a lot of students of mine, they made profits in that fall. Is maine mein, in March, the markets have fallen big time. But many at ASTA, we have made a lot of money. In fact, let me, a lot of profit rather. You know, even this week, we have this club called 1 lakh club. What is 1 lakh club in ASTA? Those people who make 1 lakh rupee in a week, in 1 week, I am saying, 1 week mein 1 lakh ka profit, 1 lakh profit in a week, they become part of 1 lakh club. And there are two more joinees in this week from my Mentor 7 batch. Anand Chachad, okay, and who else? Vijay Rajgadgar. Vijay Rajgadgar. You know, he's a BPCL man, he has left his job now. You know, Anand Chachad from Capgemini, he has left his job. They are full-time traders. And they have crossed 1 lakh in a week. Yeah, how? In making money in the falling markets. And of course, last week thoda market upar bhi jane wala tha. Main ye bhi bataunga ki traders ko aapko kaise lena hai is market ko. Is market ko kaise lena hai wo bataunga. Theek hai? To short selling mein paise kaisa kamaya ja sakta hai? Let me tell you that. But short selling matlab kya hai? Ki you sell high. Buying mein kya karte hai? Hum buy low and you sell high. Yahan. You buy here and you sell here. In short selling, you sell here. You first sell. Even if you don't have shares, yes, you can do that. You can sell even if you don't have something with you. You sell and your quantity is negative. It's a minus quantity. And then when it falls, you buy niche. You buy low. You sell high, you buy low and you make profits. So let me explain this to you in the next slide. Okay, this example is PNB example again. The same example where it was a downtrend. You can see this downtrend. The top, yahan pe dekho, left corner pe. शायद यहाँ पे मेरी जहाँ पे मेरी तस्वीर दिख रही है आपको मेरा इमेज है वो बॉक्स वहां से लेके यू सी इट इज फॉलिंग राइट एंड देन इट वेंट साइडवेज सो लेट मी टेल यू तो क्या होता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड देर इज समथिंग कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड थर्ड वन सो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज साइडवेज मतलब साइडवेज ऐसे साइड में जाने वाला ना के नीचे ना के ऊपर एंड लेट मी टेल यू अनदर मिलियन डॉलर स्टेटमेंट हियर नो trend in the market remains same forever. Meaning, koi bhi trend
हमेशा वही नहीं रहता, वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में चेंज होगा या साइडवेज, दैट इज अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड टू साइडवेज ट्रेंड और साइडवेज टू डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। ओके, और डाउन ट्रेंड से साइडवेज एंड देन डाउन ट्रेंड अगेन। नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर इन पीएनबी, द ट्रेंड वाज डाउन, यू कैन सी दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ यू सी द चार्ट, द ट्रेंड वाज डाउन, मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज डाउन, एंड देन इट वेंट साइडवेज एंड वी वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड। लेट मी टेल यू, सम पीपल आस्क मी, यू नो, डज एज मैटर? इन माई रिसेंट सेमिनार, ओके, आई वॉन्ट टू शेयर अ ग्रेट न्यूज विद यू। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु इज अ 12-year-old किड, बट ऑब्वियसली ही वॉज विथ हिज मम्मी मॉम, ही केम टू थाने आई ओपनर। आई रिमेंबर थाने आई ओपनर में आया था, आई वॉज रियली सरप्राइज विथ दैट, कि एक छोटा बच्चा आके सामने वाले सीट पर बैठा था। आई आस्क्ड हिम, यू नो, व्हाई यू आर हियर? ही सेड, यू नो, माई मॉम वॉन्ट्स टू लर्न ट्रेड, माई मॉम वॉन्ट्स मी टू लर्न ट्रेडिंग। आई वॉज रियली सरप्राइज एंड आई वॉज रियली प्राउड ऑफ दैट मॉम, हिज मॉम। एंड इन दिस मंथ दे बोथ हैव मेड 13.5 lakh प्रॉफिट। आई हैव अ व्हाट्सएप मैसेज फ्रॉम रेशमी, रेशमी इज हर नेम, एंड अश्मित हर सन। शी हैज सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज पर्सनली, आई वॉज सो ग्लैड टू हियर दैट। एंड दिस वॉज वन ऑफ द स्टॉक्स दे ट्रेडेड। हाउ? ही बॉट पुट्स ऑफ पी एन बी बेस्ड ऑन वॉट आई हैव टॉट, सिंपल थिंग्स। सो अगर 12 साल का बच्चा सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हो। ओके, सो वॉट हैपन्ड हियर, देयर वॉज अ ट्रेंड वॉज साइडवेज एंड देन द प्राइस वॉज अराउंड 62। बट आप अगर देखो तो ये जो साइडवेज ट्रेंड है ना, वो अभी टूटा है। तो अगर आपने एक लॉट अगर बेचा है, अभी फ्यूचर्स में बेचना है, तो आपको 8,300 शेयर्स ही लेने पड़ेंगे एक लॉट में, और आप बेचते हो तो -8,300। तो 62 पर अगर वो है तो आपका एक्सपोजर है 5 lakh, 5 lakhs का आपका एक्सपोजर है। बट डू यू रियली नीड 5 lakh रुपीज? नॉट एट ऑल। वॉट यू नीड इज only 20% of that, about 1 lakh rupees. Okay. So on that 1 lakh rupees, that is your investment or margin money. And on that, when the stock falls, okay, to about 33, from 60 to 33, now you buy the stock at 33. When you buy the stock at 33, you are booking your profit. And what's that profit? 2,36,000. And what was your investment? No, not 5 lakhs. It was only 1 lakh. Why? Because it's a margin money. And let me tell you, friends, margin money is not actual cash always. You don't need actual cash. What you need is margin to sell in the futures or to buy in the futures. Okay? What you need is a margin money. And you can get this margin from various sources. Number one, you can get margin from your cash that you may have. You just invest that cash in the with your broker. Number two, you can keep your stocks as hedge, as pledge. You can pledge your stocks. Number three, you can, some brokers also allow, you can invest that money in the debt funds. So aap debt funds mein daloge to wo paisa bhi aap debt fund mein jo daloge wo debt funds ke samne aapko margin milega. All right, so that is how the margin works, and you can use the margin. So you don't need actually the real cash. Even if you have money in the FD, you put it in the debt fund. डेट फंड को आपको 7-8% रिटर्न मिलेगा, और वो 8% का रिटर्न तो अलग है साल का, बट उस पर जो मार्जिन मिलेगा उस पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग, लेट मी अलर्ट, गिव यू अ बिग बिग अलर्ट हियर, ट्रेडिंग F&O ट्रेडिंग स्पेशली 95% पीपल लूज मनी। यस, 95% पीपल लूज मनी, and whatever 95% people lose, 5% make it. So whatever 95% have lost, jo bhi 95% loss kar rahe, wo 5% log paisa kama rahe. Why? Because it's a zero sum kind of a game. Because when you are, see, aap baat samajh lo isko, jahan jisne agar aapne sell kiya hai, there is always a buyer against that seller. So kisi ne buy bhi kiya hai 62 mein. Okay? And though the person who has bought at 62, he has lost money. Okay? So, and that's the F&O game. More about it, you know, in coming days later. But mera kehne ka matlab ye hai ki if you don't have a proper psyche, because this trading game is a 70% psychology, people, and about 30% money management and method.
आपको ये कंसेप्ट सीखनी पड़ेगी और आपको एक अपने आपका डिसिप्लिन और प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग एंड फॉलो विद द डिसिप्लिन एंड फोकस एंड प्रोसेस. ओके, सो दैट वॉज पीएनबी एग्जाम्पल. नाउ पीपल आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड टेक क्वेश्चंस नाउ. अंदर आर देर एनी burning questions out there? Otherwise, I'll just continue with the current market scenario. And because I'm not watching that chat box, so if Antara, my daughter is going to help me in that. Let me tell you, you know, she's also at home enjoying this, and she has also done my geo program. She sometimes stays, you know, and this is really fun. So if there is any burning question, please. Where do people find these charts? Where people find these charts? Oh. These charts, this is investing.com, ये जो वेबसाइट है ना in.investing.com, इस वेबसाइट पे आपको ये चार्ट्स मिलेंगे. एक काम करता हूँ, ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस है मैं डेफिनेटली आपको ये एड्रेस करूंगा थोड़े अंत में. या ओके, या सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द करंट मार्केट सिनेरियो. या सो ये है मंथली ग्राफ. आज मार्केट गिरा हुआ है. यू नो, लेट मी टेल यू वन थिंग. आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो मार्केट में, ओके, यू काइंड ऑफ डू सम जजमेंट अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. वी एट आस्ता, वी नेवर काइंड ऑफ प्रेडिक्ट थिंग्स. वी डोंट प्रेडिक्ट बिकॉज वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर. दिस इज नॉट अ एस्ट्रोलॉजी गेम. दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन गेम. दिस इज अबाउट व्हाट इफ गेम. एट द सेम टाइम, यू नो, वी मस्ट फोकस ऑन व्हाट द प्राइस इज डूइंग. जैसे क्रिकेटर जो बैट्समैन है वो बॉल पे नजर रखता है. यू नो, हिज आईज आर ऑन द बॉल. अवर आईज आर ऑन द प्राइस. एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ वीकली ग्राफ ऑफ दिस एंड विद दैट ट्रेंड लाइन. सो दिस वाज दैट. यू सी नाउ दिस इज इंस्टेड ऑफ मंथली, नाउ आई एम गोइंग टू वीकली. यानी ईच कैंडल इज वीकली कैंडल. एंड हेंस यू सी अ लॉट ऑफ क्लस्टर ऑफ कैंडल्स आउट देयर. देखो, ये मंथली था और ये है वीकली. या तो वीकली में वन मंथ कैंडल इज फॉर्म्ड बाय फोर वीक्स. ओके, सो इफ यू रियली सी, दिस इज द सिग्नल आई वाज टॉकिंग अबाउट. देयर वाज अ हैंगिंग मैन हियर एंड देयर वाज अ पोस्ट बजट हैमर. एंड उसके बाद जब ये गिरा, इसके नीचे गिरा, तो ऑलमोस्ट कंफर्म था कि भैया कुछ गड़बड़ है. अभी तो ये बहुत ज्यादा गिर सकता है. और आज की तारीख में अगर आप देखें इस चार्ट को, तो ये आज मार्केट यहां पर है. हुआ क्या है, मार्केट ने एक 12 साल की ट्रेंड लाइन तोड़ी है. मीनिंग इट हैज ब्रोकन अ 12 ईयर ट्रेंड लाइन एंड मार्केट इज ट्राइंग टू बाउंस. ओके, नाउ लिसन केयरफुली गाइस, डोंट मिस दिस पॉइंट. आई एम गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू नो, बिकॉज व्हाट्स नेक्स्ट एंड यू नो व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो एंड व्हाट्स नेक्स्ट एंड ऑल दैट. सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैकग्राउंड सिचुएशन एंड व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग. Obviously, coronavirus is just spreading with probably a speed of light. And I don't know. I don't want to compare the speed of light. But it seems like that. You know, there is exponential growth of, you know, infected people out in almost every country. And we are definitely doing great things, you know, by taking some good measures here. But the reason behind these falls is global slowdown, number one. And बहुत लोग आपको ये सुनाई देगा कि यू नो, यहाँ पे बाय करना चाहिए, मार्केट नीचे आया है, दीज आर ग्रेट लेवल्स टू बाय. तो पीपल आर सेइंग दैट इफ यू डोंट बाय नाउ, आफ्टर सिक्स मंथ्स इफ यू आर अलाइव यू विल रिग्रेट दिस डिसीजन, सो यू मस्ट बाय नाउ एंड मार्केट्स आर गोइंग टू गो अप एनीवेज एंड ऑल दैट. लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज आर नॉट द टाइम्स वेर यू शुड प्रेडिक्ट अबाउट सिक्स मंथ्स एंड वन ईयर. दिस टाइम व्हेन इट कम्स टू ग्लोब, द एंटायर ग्लोब, ओके, when it comes to that, one month is like one year. Okay, and let me explain you what I mean by that. One month is like one year. And one day is like sometimes 20 days or 30 days. Why? Because something happening on a day, it has an impact on 30 days. Okay, or something happening in a month, it may have an impact on a year. Right? Because these are not stable times at all. Markets, you know, it's very easy to predict markets and jo bhi rules aap apply karte ho na, बाइंग के, यहां चलो और नीचे आया तो बाय करते हैं, ये जो रूल्स है ना, दे आर गुड इन स्टेबल टाइम्स. बट दीज आर नॉट स्टेबल टाइम्स. दीज आर नॉट एट ऑल स्टेबल टाइम्स. ओके, दिस टाइम्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड
no one probably has experienced it. At least this generation has not experienced this before. Because मैंने 2008 का, you know, I have a 27 years experience. मैंने 2008 का fall ride किया था. हमने यहाँ पर short किया था. यहाँ भी short किया था. If you go and check my, if you just do a Google on my name, you'll find an interview done by Hindustan Times. Okay, and I had said that, you know, we had made money and we survived that fall. We actually made money, and then I said कि June 2009 तक शायद market, उसके बाद improvement आएगी. I have seen this fall. There was different reasons for this fall. The reasons, subprime mortgage and crisis and a major bubble in the commodities market. Today, this fall is because of a different reason altogether. And we have no idea whether we have any control over that situation yet. So let's stop predicting. Okay, pahli cheez aapko kya karni hai na, stop anticipating. Never anticipate in the markets. Let the price action unfold. And let the price action tell you that yes, it's going to bottom. I'll again go back to 2008 and show you, you know, jab ye gira, jab major crash aaya, to uske baad ye downtrend tha, uske baad kya hua? The market went sideways. Let market settle, stabilize, sideways, and then market started going up. It made a high and a higher high. Yeah, so let markets stabilize. Don't be in a hurry at all. Don't be in a hurry to invest. But this is not a time to anticipate or predict that things will be good. Okay, now let me again come back to the current situation. So, dekhi MAQ, aapko, I'm giving a big alert here. Okay, because today, if I kind of, you know, this is a time to kind of anticipate for next couple of days. And that's what we are doing at ASTA. Jaise maine expiry ke din pe, या उसके पहले मैं अभी डेली ग्राफ में जा रहा हूं, ये डेली चार्ट है, यानी आपको अभी थोड़ा और दिखेगा. यहां पर हमारा एक अंदाजा आ गया था, यहां पे हमने कुछ सिग्नल्स देखे थे, वी सॉ सम सिग्नल्स हियर एंड वी डिसाइडेड दैट यू नो वो दिस इज गोइंग टू बॉटम नाउ, मार्केट इज गोइंग टू बॉटम नाउ एंड वी डिसाइडेड टू सेल पुट्स. आई नो मेनी ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट इफ यू सी माय ट्रेड लॉग, यू नो आफ्टर दैट इफ यू सी माय ट्रेड लॉग्स, आई हैव डन प्राइमरीली बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग. ओके, एंड we were expecting market to go up for next few days. That's it. Next few days, I said. Because when I anticipate for next couple of days, my risk is, let's say, 5% or 10%. But if you start anticipating for a month, your risk will go up to maybe 20, 30% or 40%. And if you anticipate for the next 1 year, your risk will become almost 100%. And that is what I mean by a 1 month is like 1 year now. Because when it comes to globe, you know, there are events happening absolutely at across every country. And we have no idea how these countries are going to react to situations, you know, going forward. So whether, you know, there is a talk of, you know, China being isolated and, you know, China, now there is a lawsuits and all that, you know, they have to pay some $20 trillion. You know, so things are happening. And let me tell you, the global economy will never and not be the same again, at least for next 2 years. Will these times not pass? Absolutely, these times will pass. It's not the end of the world. Absolutely not. But this is all relative. Today, this is a theory of relativity. You know, today, if you think 100 rupees is cheap, you know, from 200 it is now 100, 100 is cheap. Tomorrow, it may become expensive. Because that 100 may become 50. Now, let me show you, just to give an example of that. Let me show you stocks like Arcom. You know, I have been talking in my Avadhut seminars and all, every time, you know, every seminar I have been saying that this is not a good stock. It's an underperformer. Just sell. Whatever opportunity, just sell. Okay? People thought, you know, 20 rupees is cheap. People thought 20 rupees, Arcom is cheap. It did go to 40 here, but again it fell. And eventually today, it is what? 1 rupee? 70 paise? And even today, even if it goes to 2 rupees, it's going to be great. Okay? So, never anticipate and have rules. Only those people who have certain rules, who have certain methodology, who have some process, who have some system will survive. And those people who follow it will survive in the market. Okay? And don't have just one rule. Kare, buy the dips, buy the dips. Are niche aayega to le lo. No, don't do that. Okay?
So my take, even traders guys, you know, there are a lot of questions I got, ki traders ne kya karna chahiye? These are definitely volatile times, absolutely volatile times. I'm going to show you Bank Nifty now. Bank Nifty is a barometer of all the banks, and even this stock, Bank Nifty has kind of challenging this trend line of 2008. Okay, but this has survived this attack. So far so good. And this is Nifty. So as long as Nifty is below this trend line, don't even think of buying. Okay. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है 9,500 या 10,000, आई थिंक यू आर विल बी बेटर ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल एंड जस्ट गेट आउट. इफ यू आर स्टिल स्टक इन विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, यू नो, एंड इफ देर आर सम बाउंसेस, इफ देर इज सम पॉजिटिविटी अराउंड अस, सम कंट्रोल ओवर दिस थिंग, करंट सिचुएशंस एंड मार्केट बिकम होपफुल, देर आर रैलीज एंड देन यू नो डू सम एटलीस्ट सम स्टडी. बट एक बात जान लो कि अभी एक लोअर लो हुआ है. Market has fallen and it has made a lower low. Yeah. And we are still holding on to the demonetization time. Ye demonetization yahan par hua tha. Okay. We are still holding on to these times. Will market going to crash immediately? I don't think so. You know, there will be bounces here. Okay. So as a trader, we should take opportunities of these swings in the market. Yeah. So that's my advice to traders. You know, these are volatile times. The implied volatility is very high. As far as possible, if you are a F&O trader, focus on selling options, because मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा sideways जा सकता है market और थोड़ी volatility कम हो जाएगी. Volatility क्या होती है मैं दिखाता हूँ यहाँ पर. HV करके एक indicator है और वो आज की तारीख में daily पे अगर आप देखें, ये जो volatility indicator है, देखिए कहाँ पर है. This is the volatility indicator implying how volatile markets are today. So option buyers, please refrain from buying now. Option sellers, great time to sell. Okay, take advantage of the fall in the volatility. That's my advice to the traders. Okay, now coming to, you know, I would really love to talk about ASTA and you know, ASTA sanskars ki ye ASTA hamara jab hum baat kar dena ASTA sanskaron ki. तो मुझे कहना है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी, देयर इज सम क्वेश्चन आउट देयर. या सम पीपल आर रिक्वेस्टिंग अबाउट यस बैंक. ओके, सी, जो भी मैंने सिखाया आपको, मैं एक कहना चाहूंगा कि आपको अभी जो डाउ थियरी सिखाई है ना, हायर हाइज एंड हायर लोस, ये अभी है यस बैंक का चार्ट. एंड एग्जैक्टली समथिंग सिमिलर हैड हैपेंड हियर. ओके, देखिए, ये भी एक अच्छा अप ट्रेंडिंग स्टॉक था, वेरी गुड. हम इसको घोड़ा कहते हैं. तभी घोड़ा था, वो अप ट्रेंड में था और बाद में उसने ट्रेंड चेंज किया. देखो, इसने जैसे ही ये लोअर लो किया है, उसके बाद इसके ऊपर वो कभी गया नहीं. ये 287 वगैरह जो लेवल्स है ना, इसके ऊपर वो गया नहीं. एग्जैक्टली वहीं से वापस घूम गया है और लोअर लो करते नीचे नीचे आ गया. ओके, आज की तारीख में 79 ये जो लेवल है वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रही है. यस, आई मीन जिन्होंने 6 रुपए में बाय किया है, 10 रुपए में बाय किया, 20 रुपए में बाय किया, यू नो, एज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट इट्स फाइन. आपने 20 में लिया, 40 में बेच दिया, दैट्स ग्रेट, यू नो, इफ यू हैव डन दैट. ओके, रिसेंटली मैं कहता हूँ, ये जब गया था, एंड मेरे स्टूडेंट्स भी गवाह है, जब इस दिन जब ये ऊपर गया था, मैंने इसके कॉल्स मैंने बेचे थे. क्यों? क्योंकि मैं वहां पर जान रहा था कि अभी यहां से वो नीचे आएगा. ओके, तो वहां से वो नीचे आ रहा है. ठीक है, सो आई एम नॉट वेरी बुलिश एज सच ऑन यस बैंक, बिकॉज देर आर इश्यूज. एंड एग्जैक्टली द सेम, इफ व्हेन द मार्केट, व्हेन द स्टॉक वेंट हियर 79, दैट वाज अ ग्रेट टाइम टू एग्जिट. ओके, सो लेट मी टॉक अ लिटिल अबाउट, यू नो, व्हाई एंड व्हाट यू शुड थिंक अबाउट बिफोर यू एंटर दिस मार्केट, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स एंड इवन फॉर द ट्रेडर्स. ओके, एंड ये आस्था के संस्कार है क्या, और आस्था करेंटली हम कौन से मिशन पर है. ओके, तो व्हाट इज अवर मिशन. सी, आस्था अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी, ऑल्दो आई एम अ फाउंडर, बट दिस इज अ ह्यूज बटालियन. आई हैव अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ माय मेंटीज, माय मॉनिटर्स, यू नो, हु गिव अ लॉट ऑफ सपोर्ट. सो एट आस्था, व्हेन यू अटेंड अ सेमिनार, नॉट ओनली यू गेट सपोर्ट बिफोर द सेमिनार, देयर आर लॉट ऑफ वेबिनार्स दैट हैपन, एंड देन यू ऑल्सो गेट अ सपोर्ट आफ्टर द सेमिनार. ओके, देयर आर सत्संग्स दैट हैपन इन आस्था. And why
why we are doing what we are doing? Because we are on a mission. What is our mission? We want to give success to, or not give rather, we want to contribute in the success of 1 lakh people in India. And what is that success? 1 crore. Every Indian should make at least 1 CR from the markets. And mujhe lagta hai ki agle 25 se 30 saal mein wo hoga. Is janam mein hoga mere. Mujhe puri ummeed hai. Okay? And iske liye bahut sare log jud rahe hain ASTA mein. People are joining ASTA. They are just, you know, main hamesha kehta hu ki, you know, aapne wo video mein bhi dekha hoga, collective destiny. I am a strong believer of that. And today, whatever you see around what is happening today, it is collective destiny. Jo ho raha hai, wo collective matter hai. Coronavirus spread, COVID-19 ka jo spread hai, wo infection jo fail raha hai, that's a collective matter. Aise negative cheeze bhi hoti hai, koi baad aata hai, koi tsunami aata hai, to it's a collective matter. But collective destiny mein, agar aap saath mein aao, kuch positive force agar saath mein aata hai, you know, if you come together as a positive force, then you can do something great. Okay, you can reach greater heights. So together, you know, we will spread great knowledge because we are here to teach. We are not here to sell any brokerage. We are not into broking. We are not into advisory service. We don't give advisory. And we are not into selling any software. We ASTA mein teenon cheeze hum nahi karte. What we do is pure teaching. Okay? Yes. And for that, we do charge. And we are not for any online courses as such. Okay, these are exceptions, and we will be doing some online shows now going forward. We will be doing some online shows, you know, some basic stuff. But if you want to learn something real, you must pay for it. Well, a lot of people say, oh, your fees are high and all that. Let me tell you, you know, people charge like 1 lakh, 2 lakh, 5 lakhs also for 2 days when it comes to markets. And what I charge is peanuts. I know that because my students know it. No, and those who join ASTA, they realize it. Okay. So, mujhe ek kehna hai aapko, dekho, I am going to give a great alert to you. In these times, it's very easy to kind of get depressed. Okay. And kind of start thinking about, arre, mera kya hoga, aage jaake kya hoga, vagera vagera. But I want you to kind of focus on upgrading your skill. Kyunki in these changing times or challenging times, only those will survive who are ready to change, who are ready to upgrade themselves. Alright. So, yes, that's our mission. Our mission is to give or contribute in the success of 1 lakh people. Yeah. And the culture that we live is AFUFA, all for one, one for all. Meaning what? You know, everyone comes together and tries to help each other. Okay. That's what we do. Yeah. And we not only we live, we breathe AFUFA. Okay. You can ask our students, they will tell you. Yeah. We do satsangs. Yes, satsang kya hota hai? Seminar ke baad bhi log aate hai. Aur seminar ke baad bhi ek support system hota hai. People kind of, you know, come together say, or jo bhi unke doubts hote hai, wo address kiye jaate hai. To aise satsang bhi hote hai. Okay. And who is joining ASTA? Lot of businessmen. Okay. Servicemen. Homemakers. Lot of homemakers are doing great. You know, Amita Bhoir, who made 52,000 in single day on the day of budget. She shorted Max Financials. You'll soon be seeing that video. Okay. Students come. 12-year-old kid. Okay, they come, they can learn. Engineers, investors and traders, obviously. Retired personnel. Okay, retired people, a great way to engage yourself. So even if you are retired, this is a great way. You don't have to waste, you know, spend time on gossips and Facebooks and all that. Just come and learn. This is great time to engage yourself. Okay, it's a constructive engagement. Army people, yes, we have people from army, ex-army guys. And we also have CXO level people. We have COOs and CEOs joining us. Yeah. So yes, ASTA is really growing, and we have centers at like 7 locations now. We're starting in Delhi, we're starting in Ahmedabad, and yes, hamara ek show shuru hone wala. So let me tell you about that. We are starting a stock market sanskar show. Starting from soon, maybe I'm not finalizing the date yet. It will soon be communicated to everybody, and that is, if you're interested in that, because that will be like a 20-30 minute show almost, you know, on a few days in a week. And if you want to attend that and to know more about it, you must subscribe to YouTube channel. Okay, so subscribe to our YouTube channels. We'll be giving some more, you know, feeds into that channel because certain education stuff also may come there. So subscribe to the YouTube channel and don't forget to click on the bell icon. Okay, so that you can get the notifications. Yeah. And yes, so now I want to take your questions. Okay, so
Yes, Antara, do we have any great questions? Yeah. Where can we find these charts? Yes, that I've already said. You know, you can find these charts on investing.com. It's a free software. And we'll be talking about it. We'll be showing you these things in the forthcoming shows. Okay? There'll be a show on how to use the charts. Yeah? And we would also be sharing a video about how to use this particular tool. This tool. Yeah, any other question, dear? How can we sell at the top if we don't have shares? How can we sell at the top when... Yeah, exactly. Yeah, let me again show you this. Okay, and now, see, if it is crude oil, okay, that's what the futures market is. Futures market kya hai? Wahan pe aap actual asset ko na buy karte ho, na sell karte ho. You are not buying an actual asset. Understand this. Or you are not selling an actual asset. It's a contract. So you enter into a contract. So when you are bearish, and if you think that crude oil is going to fall, when you think the crude oil is going to fall, you sell crude oil. Are you having crude oil? No. But when you sell crude oil, your position is short position, meaning minus. Short position. Yani jab hum crude oil bechte hain, to jab girta hai to aapko fayda hoga. Yani ye ek aisa market hai, futures options ka market, jahan pe aap, yes, shares, even if you don't have shares, you can sell. And in that case, your position will be negative, minus position. Alright? And yeah, just a minute. Yeah, I think there is another question. Let me see that. Yes. What is the other one? What is the other question, Yadiya? What time frame should we use? What time frame? It's a great question. Dekho, it all depends on what type of a person you are. Meaning, are you a trader? Are you a short-term trader? Are you a positional trader? Are you a investor, a short-term investor or a long-term investor? These things you will learn more in coming shows, but, you know, and more detail in the seminars, obviously. But, agar aap long-term investors ho, to aapko weekly ya monthly charts dekhne hai. But if you are a trader or a day trader, you can go even to the 15-minute chart. 15-minute ka bhi chart hota hai. और इस चार्ट के बेसिस पे भी आप बाय सेल के डिसीजंस ले सकते हो. जैसे कि यहां पर 15 मिनट पे जैसे ही एक हैमर आया, ये ऐसा दिखता है ना, ये आप सीखोगे तो जैसे ये हैमर आया यू कैन बाय, एंड देन जैसे ऊपर जाता है यू कैन सेल. ओके, सो यस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड दैट इज व्हाई फॉर मी यू नो मार्केट इज गॉड. व्हाई? बिकॉज़ मार्केट कीप्स गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज डे आफ्टर डे. ओके, एंड there are hundreds and hundreds of opportunities almost every day. What you really need is a process, a methodology to understand whether it's a buy or a sell. Okay, aur wo aapko seekhna hai. And let me tell you, it's not a rocket science. Even Mukesh Sharma, who made 7 lakhs on last Thursday, he had absolutely zero knowledge about markets when he came to me. He is a research guy from you know, Covance, working for Covance and medical research method. But today, you know, he's a fantastic trader and a trainer, and he's spreading this knowledge in Bangalore, Mandar Rege, in Pune, Sandeep Jarode, in Navi Mumbai, Rajesh Kupti, Hyderabad, Joginder Singh, Delhi, Atul Ingad, Gujarat, along with his wife, Heli. So all these people, you know, we are spreading, and we are actually want to give this knowledge. Many people say, "Arey, itna paisa kamata hai, to ye sikhata kyun hai?" Let me tell you, no, there is nothing, because let me quote, whether it's Pablo Picasso or Shakespeare or David Scott, I don't know, but this, I just love this quote, you know, meaning of life is to find your gift, okay, is to find your gift. I have found my gift. Last 27 saal mein, mujhe samajhta hai ki market ko kaise padhna hai, aur it's not about, you know, predicting, but agar main galat jata hu, toh main losses bhi karta hu, lekin mere losses kam hote hai, profits se. So that is the process we follow. Not that every time you are going to be right. All right. So that is one. Meaning of life is to find your gift. I have found my gift. And purpose of life is to give it away. Okay. Jaise aapko wo milta hai, it's already there. You know, your soul knows a lot of things. You just have to discover that. Once you find the gift, then just give it away. Okay. So in ASTA, what we need, and let me tell you, to be winner in the markets, you need certain qualities. And compassion and patience. Compassion and patience.
know, you no matter how much of knowledge and skill you have, but you must have a lot of compassion and patience. Once you have that, you can be successful in the markets, right? So ye compassion bahut zaruri hai. Okay, to aapko contribute karna hai dusre ki life mein aur unko saath mein leke jana hai. Why? Because collective destiny, once we come together, it's going to be a strong force, and then this force, nobody can stop us. And let me tell you, we really eventually want to conquer international financial markets. Okay, so that's our vision. Yeah. Okay, any other questions here? What broker do you use? What broker? Okay, I'm not going to recommend any brokers. And see, once you attend our further seminars, okay, you will get a fair idea about you know, what are the brokers, and you know, there are discount brokers like Zerodha, Upstock, Fires and all, discount brokers. There are leverage brokers like ASTA, ASTHA, not us, we are not brokers, okay. ASTA karke ek brokers hai, jo leverage brokers hai, hamare bahut sare students wahan pe karte hain, kyunki स्मॉल कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो कि 2500 और इवन करेंटली लिटिल हायर मार्जिन, बट इन स्मॉल कैपिटल ऑल्सो यू कैन डू इट. यू कैन, लेट मी टेल यू, करेंसी मार्केट्स, यूएसडी, आईएनआर, डॉलर, ये आपके पास अगर 3,000-5,000 रुपए भी है तो भी आप डॉलर में ट्रेड कर सकते हो. ओके, सो देर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आउट देयर. दिस इज डॉलर. डॉलर इज एट 75. मैंने कुछ साल पहले, यू नो, व्हेन इट वाज 50, टू हैड सेड दैट डॉलर इज लाइकली टू गो टू लाइक 70 प्लस इन कपल ऑफ इयर्स. ओके, सो यस, डॉलर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट व्हाट एवरीबॉडी कैन ट्रेड. एंड लेट मी टेल यू, एंड होममेकर्स, लेट मी टेल यू, होममेकर्स, यू गाइस मस्ट लर्न दिस, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव, यू नो, इफ दिस इज ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, बिकॉज इफ यू डेवलप स्किल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, you can not only you can take care of your families, you know, you can actually support your family through your passive incomes. You can give additional income. This is a great additional income source. Okay, so that's what I would like to tell. Yeah, any other questions here? Can you touch on the topic of options, like calls and puts? Can I? Guys, options, call, puts, this will be really heavy for many. I would just like to give a glimpse of, I'll just share, you know, how our kid, 12-year-old kid, made money. What he did, I do have a video, but I'm not going to show that video to you now. But what he did is, he bought a put when the price was here. When the price was here, rather, he bought a put. And what is that? Dekho, aap insurance company jaise hoti hai na? Insurance company. Wo kya karti hai? What do they do? They take premium from you. They take a premium from you. For example, car insurance or medical insurance. They take a premium from you. And in return, what do you get? What do you get? You get a right on some coverage. So if something happens to my car, you have to pay. So insurance company takes the obligation of paying that some damage charges. Or if you get hospitalized, the medical insurance company is obligated to give you the coverage. So you pay like 20,000 premium and you get a coverage of like 5 lakhs, right? So this is something similar. When you buy puts, somebody is selling that put to you. When you buy, a seller is selling to you. This seller is obligated to honor your right. And you buy a put. Let's say you buy a put at 50 rupee put. You have a right to sell at 50 no matter where the price falls. So when the price falls to 33, okay, when the price falls to 33, you have a right to sell at 50. So you make a profit of 17 rupees. How do you get that right? By paying some premium to the seller. Okay, so that is put. And let me tell you, it's going to be really tough initially to understand these concepts. But yes, you must join our seminars, okay? And I give you 100% money back guarantee when you join them. You have nothing to lose, and you can check with our students. Yes, you may feel, oh, I want to sell my seminars. Hell yes, I want to sell my seminar. Why? Because we are on a mission to build an army of disciplined traders, okay, who can conquer international financial markets. And that's why we are here. All right. So yes, if you want to join ASTA, do subscribe to our channel and watch the forthcoming shows. Okay. I think it's already what, 6:40. We started at 5:30 and it's 1 hour 10 minutes.
I'll take, you know, another 5 minutes. I will take one or two more questions and I would like to say something before we end this. Yeah. What will happen in the market tomorrow? What will happen in the market tomorrow? Wow, what a question. Yes, I believe, you know, let me tell you what I have done. Okay, maine bank nifty ke options beche hai. Wo bhi deep out of the money. Jaise 23,000 ke call maine beche the. Okay, to mujhe aisa lagta hai ki shayad market gir hi sakta hai. आपको ना डाउ जोन्स का चार्ट पे ध्यान देना है और मार्केट गिरेगा फिर भी ज्यादा नहीं गिरेगा. अगर ज्यादा गिरेगा तो मैं नीचे के पुट्स बेचूंगा. ओके, तो मैंने कॉल बेचे. मेरा अभी का अनुमान ये है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज आई बिलीव मार्केट में गो लिटिल साइडवेज. इट मे नॉट गो अप मच बट इट मे नॉट क्रैश ऑल्सो इमीजिएटली. ओके, एंड डाउ जोन्स अगर हम देखेंगे तो डाउ जोन्स में भी यही हुआ है. मंथली का एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है. This is Dow Jones की हालत है ये. ओके, एंड इट हैज मेड अ लोअर लो. इट हैज मेड अ लोअर लो. सो जैसे मैंने कहा था, वन मंथ इज लाइक वन ईयर व्हेन इट कम्स टू ग्लोब. वन मंथ इज लाइक वन ईयर. प्लीज डू नॉट ट्राई टू एंटिसिपेट, ओ एक साल में मार्केट ऊपर जाने जाएगा, ये सब ऐसे होगा. मुझे लगता है इन्वेस्टर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टू ईयर्स. ओके, टिल 2022 इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर द इक्विटी मार्केट्स. Alright, so just be careful. Don't jump and buy. And traders, yes, take every day. Day by day aap dekho and kind of anticipate for next 2 days or series ke liye. Hamari weekly expiry hoti hai. So you can, you know, take series by series. So currently I'm selling, you know, short strangle. I'm selling calls. Niche aayega to I'll sell puts. Because premiums are just beautiful. You know, you'll make a lot of money by selling options in this market. Alright, so yes, one more final question before I tell you. Yes. What does technical analysis mean and what does fundamental analysis mean? Which one should we use? Okay, great question. Okay, fundamental analysis is study of companies and especially their future. Meaning, jo karte hai na analysis, they go and meet the management, they discuss with management their plans, you know, what are their plans, how they are going to, what are their projections for the future, what's the sector, what's their company doing. What the sector doing, like for example, currently transportation sector is absolutely down. Airplanes are grounded, right? So transportation sector had given a sell signal much, much before. Okay, jaise Indigo hai, hamara Indigo ka agar stock hai. Okay, to agar Indigo airline agar aap dekho, to aaj ki tarikh mein sab log bol rahe hai ki, arre crude oil gira hai, to Indigo ke liye achha hai. Lekin phir bhi stock gira hai, na? Why? Agar aap monthly dekho, तो मंथली में देखो यहां ऊपर से 19,000 से ये गिरा है. Why? Because fundamentals, although they are great and in the long run fundamentals prevail, but they always, 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 you make no mistake, they always lag. वो हमेशा पीछे रहते हैं technicals के. Technicals always rule, they always lead, because there are a lot of smart people who understand fundamentals much better than the general public. Okay, they understand fundamentals much before than the general public, and hence, you know, yeah, there is dark, and you know, I'm doing this from home. There is, I'm caught in home. There is no office. Otherwise, you know, I would have done it in a much better setup. So I hope, you know, this light is good enough. So fundamentals is a study of companies, sectors by meeting the management. But usually management will not give you the true picture always. Because if there is something great happening in the company, they may keep it with themselves. They may. Okay. They may not share everything that is, you know, agar kuch pura hone wala hai, toh they are not going to share with you every time. Okay. But fundamental agar aapka study hai achha. Aur aapko technical bhi aata hai. Aur technical or fundamental dono milke agar aapka signal hai buy. Then go ahead and buy. Okay. These two together is a lethal weapon. I have many students from, you know, big funds like Merrill Lynch, Morgan Stanley. They have done my courses. They always, always follow. After their fundamental study, they follow the technicals. Okay. To take a buy or sell signal, we should always follow technical. Why? Because technicals lead. Ye aaj jo Nifty mein jo sell signal hai, ye bahut pehle hua tha. मैं पीएनबी का एग्जांपल दिखाऊंगा. जो नीरव मोदी का जो केस आया था उसके पहले पीएनबी ने सेल सिग्नल दिया था. यानी ये क्या नीरव मोदी का केस आने वाला है सबको मालूम नहीं है? मालूम है. जिनको मालूम है उन्होंने सेलिंग चालू कर दिया है
और वो सेलिंग आपको इस चार्ट्स में दिखती है। तो जब यहाँ गैप डाउन हुआ था ना, इस गैप डाउन में मैंने इमीडिएटली तुरंत एक वेबिनार लिया था मेरे मेंटीज का, ये कह के कि भैया ये गैप डाउन, ये थर्ड हो सकता है, दिस वाज़ द थर्ड वेव, थर्ड ऑफ थर्ड हो सकता है एंड मार्केट कैन फॉल बिग टाइम फ्रॉम हियर, ओके, एंड माय इनिशियल टारगेट वाज 11,000, ऑलराइट। सो यस, फंडामेंटल्स आर गुड, टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड व्हेन सप्लाई बिकम्स डोमिनेंट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व इट इन द चार्ट्स, एंड चार्ट्स विल टेल यू वेदर the big guys, what the big guys are doing, if the big guys are selling, you must align yourself with them, always align with the dominant force in the market, and that is my big takeaway for you, always, yeah, I need some light, yeah, so guys, yeah, so I think, you know, we are going to close in a couple of minutes, but before I leave you, yeah, one more question, two questions, yeah, what is it, just one more, okay? If someone has a problem with English or Hindi, how will they get support in that language? How will they get support in their language? If it is a problem with Hindi or English, well, we are planning to do, you know, hamare books are hai local languages mein, but currently our courses are only in Hindi, English mein hi hote hai. Okay? We are not to that level where we have local language support. But jo hamare trainers hai, satsang vagara hote hai, jo monitors hote hai, they definitely explain in the local language as well. But currently, yes, our seminars are done in English, Hindi mix. Thoda dono chalta hai. Yeah? And one thing I would like to see, you know. Dekho, samay ruka hai, aisa lagta hai. 3 months. Abhi 21 days. You know, 21 days ka lockdown hai. We are at homes. We always wanted to be, you know, when we are at office. Yeah? Aisa lag raha hai ki samay ruka hai. Okay? But, kabhi kabhi samay ko rokna bhi chahiye. क्यों? क्योंकि when something is going at a higher speed than time, okay, something is going at higher speed than time, then we have to really stop the time so that we can win over it. If you want to win over something running higher than time, आज के केस में कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है, it is probably running ahead of time, okay, and we must stop time to conquer over it. हमको समय को रोकना पड़ेगा, बट वी आर ब्लेस्ड, टेक्नोलॉजी इज विद अस, वी आर स्टिल कनेक्टेड, यू नो, एंड देन आई वुड लाइक टू से दैट इस चेंजिंग टाइम्स को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेट्स नॉट बी डिप्रेसिव, लेट्स बी जॉयफुल, इवन इन दिस सिचुएशन लेट्स बी जॉयफुल, वॉच कॉमेडी मूवीज, यू नो, कॉमेडी शोज, बट कीप लर्निंग, कीप, इट इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ क्लियर रोड मैप फॉर यू फॉर द फ्यूचर, सो सेट अ प्रॉपर रोड मैप, वेक अप ऑन टाइम, wake up on time, do exercises, you have time for that, you have absolutely no excuse now, so do exercise, get in a shape, you know, lose that weight which you always wanted to do, set a roadmap, set some goals for yourself to upgrade your skill, and then be ready for a stable time, because these times will not last for long, yes, they may last, mujhe lagta hai ek ya do saal lag sakte hai, okay, before things really stabilize, so let the things stabilize before you start running. Okay, but during that period, this is a time to consolidate and build our skill, okay, develop, you know, invest in yourself, you know, invest in yourself, develop that skill and be prepared to fly when the things stabilize. All right, so all the very best, guys, all the very best. I really wish you all the luck. Okay, take care of yourself, take care of your family and be responsible. Let's not be reason to spread the virus to others, because we want to take care of all our near and dear ones, especially the older generation, okay, we must take care of them and let's make sure that we are not the reason for spreading the virus. So be at home. Okay. So thank you so much and thanks for listening to me. I really enjoyed this session. It was great to connect you. Thank you. Thank you so much. I'm going to stop this transmission.